Welcome to Uthan English class. Now let's practice worksheet 46. In this worksheet, the learner writes a small paragraph describing himself or herself. In worksheet, re tumhe mane gotiye small paragraph tie lekhibo jothire tumhe mane tumo bishoy re kichi barnana karibo. स्टेप वन कौन रही रीड द पाराग्राफ अबाउट नमिता गिवन बिलो एटी गोटे पाराग्राफ टी दिखाई गोटे पिलाटी नमिता विषय ताको तुम्हें माने पढ़ आई एम नमिता मु नमिता अटे आई एम 8 इयर्स ओल्ड मु 8 वर्षर अटे मिस्टर सेवक दास इज माय फादर मिस्टर सेवक दास होती मोर बापा मिसेस स्मिता दास इज माय मदर मिसेस स्मिता दास होती मोर माँ I go to Girls Model UP School Ranpur. Mu Girls Model UP School Ranpur ko jaye. Tapare step 2 re ame kon kariba fill in the form following form about you. Eite gotiye form diya heichi jahaku tumme mane tumo bishoy re fill up karibo. Jemiti rahila my name एटी तुम ना लिख मुझे लिखी सुनीता माय एज तुमर एज जिते अच्छी लिख टेन इयर्स लिख नाइन बा इलेवेन जिते थी लिख माय फादर्स नेम बापा ना ये लिख मुझे लिखी जगबंधु दास माय मदर्स नेम तुम माँ का ना ये लिख लिखी शांतिलता दास नेम ऑफ माय स्कूल तुम स्कूल ना ये लिख जिला स्कूल बालेश्वर मुझे लिखी स्टेप 3 रे रही कौन नाउ राइट ए स्मॉल पाराग्राफ अबाउट यू फॉलो स्टेप 2 ए जो हमें फॉलो आमर जो स्टेप 2 रे हमें फॉर्म फिल अप करी यहाँ को बेस करी तुम्हें गोटे पाराग्राफ लिखिबो कौन लिखिबो से पाराग्राफ रे चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स एस इन स्टेप 1 देखो स्टेप 1 रे गोटे पाराग्राफ करी लिखाई जमी लिखाई आई एम नमिता तो ये जे माय नेम सुनीता तुम ये कौन लिख आई एम सुनीता बात अमर ना जहाँ थी से लिख ए भड़िया पाराग्राफ टीए करी हमें स्टेप 3 रे लिखा जमी देख ये रही आई एम सुनीता आई एम 10 इयर्स ओल्ड मिस्टर जगबंधु दास इज माय फादर मिसेस शांतिलता दास इज माय मदर आई गो टू जिला स्कूल बालेश्वर यही भड़ी तुम्हें मैंने तुम विषय ये लिख एबे हमें नेक्स्ट वर्कशीट को जीबा इन वर्कशीट 47 द लर्नर कॉम्प्रिहेंस ए प्रोज टेक्स्ट एंड रिस्पोंस टू कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एटी आमर गोटे प्रोज टेक्स्ट टे दिखाई ताकु पढ़ी बो, बुझी बो, एवं तार जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन गुड़ाक दिखाई ताकु करिबो रीड द फॉलोइंग पैसेज तड़े जो पैसेज दिखाई पढ़ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज ए तार तो क्वेश्चन दिखाई तार आंसर कर वन्स देयर लिव्ड ए पुअर मैन इन ए विलेज एकदा गोटे गाँव में गोटे गरीब लोकटे रहुथिला He had a rich classmate. तार गोटे धनी सांग थिला क्लासमेट है जो श्रेणी सांग जो तुम जमी सेवेन क्लास रे पढ़ुच तुम सांगे आउ जड़े कहीं सेवेन क्लास रे तुम सांग पढ़ुची तो ताकु कहिबा में क्लासमेट He lived in a town. से जो धनी सांगटे तार से गाँ से सहर से रहूला पुअर मैन रोला भिलेज गाँव में रोला किंतु धनी सांगटी तार टाउन सहर से रोला दे डिड नॉट मीट फॉर ए लॉन्ग टाइम से मानकर बहुत दिन है देखा है नथिला इन द मीन टाइम द रिच फ्रेंड हैड प्रॉब्लम्स विथ हिज इयर्स ए समय रे जो तांकर देखा है नथिला से समय रे जो धनी सांगटिए थिला तार इयर कान रे किछि प्रॉब्लम हैला एंड ही बिकेम डीप से बधिर हो गला ता कान को आउ सुना गला नहीं दिस वाज नॉट नोन टू हिज फ्रेंड इन द विलेज किंतु तार जो गरीब सांगटी गाँव में रहुला ताकु ए विषय किसी जाना नथिला द रिच फ्रेंड केम टू नो दैट हिज फ्रेंड वाज सीरियसली इल से जो धनी सांगटे थिला दिने जानिबा को पाइला जे तार जो सांग गाँव में रहुची से बहुत सीरियसली इल परे से बहुत बीमार अच्छी सो ही डिसाइडेड टू विजिट हिम से कौन कला से स्थिर कला कि मु मो सांग को देखा करने को जी एपे आम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को जी फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखा
हु आर दे आर इन दिस पैसेज ए पैसेज रे किए किए अछंति देयर आर ए पुअर मैन एंड हिज रिच क्लासमेट इन दिस पैसेज ए पैसेज रे गोटिए गरीब लोकटिए अछि एवं तार धनी सांगटिए रहिछि Where did the poor friend live? Poor friend je garib sangathi kounthare rahuthila. The poor friend lived in a village se gaare rahuthila. Where did the rich friend live? Dhani sangathi kounthi rahuthila. The rich friend lived in a town. Jo dhani sangathi thila se saharare rahuthila. Who became deep? Kie badhi rahi gala. The rich friend became deep. Je dhani sangathi thila se badhi rahi gala. तापरे डिड द पुअर फ्रेंड नो दिस या विषय रे तार जो गरीब सांगटिए थिला से जानी थिला कि नो द पुअर फ्रेंड डिड नॉट नो दिस ना तार जो गरीब सांगटिए थिला से विषय रे जानी नथिला व्हाट डिड द रिच फ्रेंड कम टू नो तार जो धनी सांगटिए थिला से कौन जानिबाकू पाइला द रिच फ्रेंड केम टू नो दैट हिज फ्रेंड वाज सीरियसली इल से जो धनी सांगटिए थिला से जानिबाकू पाइला जे तार जो सांग रहिछि से बहुत बेमार अछि व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू डू से कौन स्थिर कला ही डिसाइडेड टू विजिट हिम से स्थिर कला कि मु गाँ को जाकि देखा करी एम वर्कसीट कम्प्लीट है नेक्स्ट वर्कसीट को जी 48 को नाउ लेट्स प्राक्टिस वर्कसीट 49 इन दिस वर्कसीट द लर्नर रीड्स एंड कम्प्रिहेन्स ए टेक्स्ट राइट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ये आमर गोटे प्रोज टेक्स्ट दिखाई एटा को पढ़ी बुझे तार जो कम्प्रिहेन्शन क्वेश्चन दिखाई तार आंसर कर रीड द फॉलोइंग पैसेज तले दि जा पैसेज टी पढ़ एंड राइट द आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलो तले दि जा क्वेश्चन रनसर कर एबे आमे पैसेज टी को पढ़ीबा पैसेज टी रही थ्री बियर्स लिव्ड इन ए हाउस नियर ए फॉरेस्ट तीनटा भालू जंगल पाखरे थिबा घरे रहूथिले देयर वाज पापा बियर ए ग्रेट ह्यूज बियर सेमानंक मध्यरे पापा बियर जिए थिले बापा भालू दिए थिले से ह्यूज विशाल बा बड़ भालू थिले देयर वाज मामा बियर ए मिडिल साइज्ड बियर एवं मामा बियर जिए थिले से मिडिल साइज्ड रहिले ना बहुत बड़ थिले ना बहुत सान थिले देयर वाज बेबी बियर ए स्मॉल बियर एवं तांकर जो से बेबी बियर छुआ भालू थिला से छोटियाटिए थिला वन डे दे वेंट आउट फॉर ए शॉर्ट वॉक इन द फॉरेस्ट दिने से माने जंगल को चलिबा को गले मामा बियर हैड कुक्ड पॉरिज फॉर ब्रेकफास्ट मामा बियर जिए थिले तांकर ब्रेकफास्ट जलखिया पई पॉरिज खीरी तैयारी करथिले सी लेफ्ट द पॉरिज एट होम टू बी कूल से घरे रखिकी जाइथिले जेमिति थंडा हे जाउ बोली तबे को आमे पढ़िले पैसेज टी एबे आमे कम्प्रिहेन्शन क्वेश्चन करिबा कम्प्रिहेन्शन क्वेश्चन रहिछि फर्स्ट व्हेयर डिड द बियर स्लीप बियर माने कोठारे रहुथिले द बियर लिव्ड इन ए हाउस नियर ए फॉरेस्ट भालू माने जंगल पाखरे थिबा घरे रहुथिले व्हेयर वाज देयर हाउस सेमानंकर घर कोठारे थिला देयर हाउस वाज नियर ए फॉरेस्ट सेमानंकर घर जंगल पाखरे थिला हाउ मेनी बियर्स वेयर देयर सेठारे केतोटी भालू थिले थ्री बियर्स वेयर देयर तीनोटी भालू थिले हु वाज ए मिडिल साइज्ड बियर किए थिले मामा बियर वाज ए मिडिल साइज्ड बियर मामा बियर जिए थिले माँ भालू जिए थिले से मिडिल साइज्ड रो थिले हु वाज द बिगेस्ट ऑफ ऑल सेमानंक मध्यरे सबुठारु बड़ किए थिला पापा बियर वाज द बिगेस्ट ऑफ ऑल जे पापा बियर थिले से समस्तंक ठारु बड़ थिले एबे क्वेश्चन नंबर 6 देखिबा हु वाज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सेमानंक मध्यरे सबुठारु सान किए थिला बेबी बियर वाज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सेमानंक मध्यरे जे बेबी बियर थिला से सबुठारु सान थिला Where did they go one day? कौठा को one day गोटे दिन से माने कौठा को गले one day they went out to forest से माने गोटे दिन जंगल को गले Why did they go out to the forest? कहीं की गले they went out to the forest for a short walk से माने चाली बाकु गले
व्हाट डिड मामा बियर कुक मामा बियर कौन रांधी थिले मामा बियर कुक्ड पोरिज मामा बियर खीरी प्रस्तुत करी थिले व्हाय डिड सी लीव द पोरिज एट होम से कहीं घरे रखी जाई थिले सी लेफ्ट द पोरिज एट होम टू बी कूल से घरे रखी की जाई थिले जे से माने बुली की आसला परे सेटा ठंडा हो जाइथिबो एबे आमे क्वेश्चन वर्कशीट नेक्स्ट वर्कशीट को जिबा वर्कशीट 50 रे रही द लर्नर रीड्स एंड कम्प्रिहेन्स ए टेक्स्ट राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ये आमर गोटे टेक्स्ट दिखाई पढ़िकी बुझे तार जो क्वेश्चन दिखाई कर रीड द फॉलोइंग पाराग्राफ तड़े दि जाइथिबा पाराग्राफ टी पढ़ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो एवं तार जो क्वेश्चन दिखाई तार आंसर कर पैसेज टी पढ़ा वान्स दे आर लिव्ड ए जैकेल इन ए फॉरेस्ट एकदा गोटे जंगल रे जैकेल रहुथिला वन डे ही डिड नॉट गेट एनी फूड से दिने कौन किसी खाद्य पाइला नहीं ही वाज वेरी हंग्री से बहुत भोकिला थिला इन द इवनिंग ही केम इन टू ए भिलेज दे संध्या बेले कौन कला से गोटे गाँ को आसला ही वाज लुकिंग फॉर फूड से खाद्य खोजुला बाय चांस ही फेल इन टू ए वाशरमैन स्टॉप बाय चांस हठात कौन है से गोटे वाशरमैन धोबीर टब रे पड़गला इट वाज फुल ऑफ ब्लू वाटर से जो टब टी थिला से थिरे ब्लू वाटर थिला से नीड दे कि से वो पानी टी को नीड रंगर कर दे थिला से थिरे से पड़गला ही बिकेम ब्लू एबे ही आमर जैकेल जैकेल कौन है ब्लू हो गला से ब्लू कलर रा पानी रे पड़ी गला तेणु तार कलर चेंज है कि ब्लू हो गला एंड द अदर जैकल्स कुड नॉट नो हिम एवं अन्य जैकेल माने थी जो थिले से माने जानी पारिले नहीं ए भी गोटे जैकेल अछि एबे आमे पैसेज टी पढ़िले एबे आमे क्वेश्चन आंसर करिबा फर्स्ट क्वेश्चन टी रही व्हाट इज द पाराग्राफ अबाउट द पाराग्राफ टी कहा विषय रही द पाराग्राफ इज अबाउट ए जैकेल ए पाराग्राफ टी जैकेल विषय रही व्हेयर डिड द जैकेल लिव जैकेल टी कौठारे रहुथिला द जैकेल लिव्ड इन ए फॉरेस्ट जैकेल टी फॉरेस्ट रे रहुथिला जंगल रे रहुथिला व्हेन डिड द जैकेल कम इनटू द विलेज केते बेड़े आसिला विलेज को गाँ को केते बेड़े आसिला इन द इवनिंग द जैकेल केम इनटू विलेज संध्या बेड़े जैकेल टी गाँ को आसिला व्हाट वाज ही सर्चिंग फॉर से कौन खोजुला ही वाज सर्चिंग फॉर फूड से खाद्य खोजुला एबे नंबर फाइव क्वेश्चन देखिबा व्हेयर डिड ही मूव इन द विलेज से गाँव में कौठारे बुलुला इन द विलेज ही मूव्ड नियर द वाशरमैन स्टॉप से गाँव में जो वाशरमैन धोबार टॉप थिला सेठी से बुलुला व्हेयर डिड ही फॉल इनटू से कौठारे पड़गला He fell into the washerman's tub. Se washerman's tub re padigala. What happened to him when he fell into a tub? When he fell into a tub, he became blue. से कौन हला से जते बड़े टब रे पड़गला जते बड़े से टब रे पड़गला से ब्लू हो गला Why did the other jackals not know him? कहीं कि अन्य माने ताकु जानी पारी ले नहीं. The other jackals did not know him because he became blue. से जब ब्लू है जाय थिला तेनु अन्य और जैकल माने ताकु जानी पारी ले नहीं. Who is in the last sentence? Last sentence रे हमारा he थिला. He कहाँ को कुहा है ची? He in the last sentence is the jackal. जो लास्ट जो सेंटेंस रे ही लागी सेटा जैकेल पाई लागी एबे हमें नेक्स्ट वर्कशीट को जीबा वर्कशीट 51 रही द लर्नर राइट्स ए स्मॉल पाराग्राफ अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ लर्न्स टू राइट बायोडाटा ये आमर तुम्हें माने निज निज विषय गोटे पाराग्राफ लिखिबो जहाँ को आम कहती बायोडाटा निजर परिचय स्टेप वन कौन रही रीड द फॉलोइंग बायोडाटा फॉर्म फिल्ड इन बाय रमेश पात्र ये गोटे पिलाटीए रमेश पात्र विषय बायोडाटा दिखाई ताकू पढ़िकी तुम बुझे तुम निजर बायोडाटा लिखिब फर्स्ट रही नेम बायोडाटा रे आम कौन लिख फर्स्ट नेम लिखा तार ना हूँ रमेश पात्र तापर सेकेंड रे लिखा एज एज अच्छी 9 इयर्स 9 वर्ष रही
थर्ड रे रही प्लेस ऑफ लिविंग से कौठारे रोची एटा है छेंडीपड़ा तो ये से रोची तापरे रहिला फादर्स नेम ता बापार ना कौन रही नरेश पत्र ता मदर्स नेम कौन रही संगीता पत्र स्कूल नेम रही छेंडीपदा यूपी स्कूल एटा तारे स्कूल नेम क्लास कौथरे कौटी पढ़ुची से क्लास फाइव रे पढ़ुची तार लाइकिंग गेम्स से कौ गेम खेलवा से कौ खेल खेल पसंद करे क्रिकेट तार लाइकिंग क्लथेस होची से कौ क्लथेस पिंधिबा को पसंद करे जीन्स एंड टी शर्ट एवं तार लाइकिंग फूड से कौ खाद्य खाइबा को पसंद करे रोटी एंड चिकेन एबे आमे पिलाटी रमेश पात्र विषय जानिले स्टेप टू रे आमे कौन करिबा ए पैसेज टी आमे पाराग्राफ रे कन्वर्ट करके लिखिबा रीड द फॉलोइंग लाइंस रिटन बाय रमेश पात्र एटी से बायोडाटा लिखि देछि एबे ताकू से पाराग्राफ करके लिखिछि केमिति लिखिछि देखिबा माय नेम इज रमेश पात्र मोर ना हूँ रमेश पात्र आई एम 9 years ओल्ड मोर बयस 9 वर्ष आई लिव इन छेंडीपदा मु छेंडीपदारे रहे श्री नरेश पात्र इज माय फादर नरेश पात्र होचंती मोर बापा श्रीमती संगीता पात्र इज माय मदर श्रीमती संगीता पात्र होचंती मोर माँ आई गो टू छेंडीपदा यूपी स्कूल मु छेंडीपदा यूपी स्कूल को जाए आई एम इन क्लास फाइव मु क्लास फाइव रे पढ़े आई लाइक टू प्ले क्रिकेट मु क्रिकेट खेलवा को पसंद करे आई लाइक जीन्स एंड टी शर्ट मु जीन्स एंड टी शर्ट पसंद करे आई लव रोटी एंड चिकेन मु रोटी एंड चिकेन को भल पाए एबे आमे जानिले स्टेप थ्री रे आमे कौन करिबा फिल इन द फॉलोइंग बायोडाटा फॉर यू एठी तुम्हें माने तुम्हारो बायोडाटा लिखिब मु गोटे पिलार बायोडाटा लिखी तुम्हें से भाया निज निजर बायोडाटा लिखिब फास्ट नेम तुम ना इठी लिखिब एठी मु लिखी सुहानी दास देन आमर एज है 10 years प्लेस ऑफ लिविंग कटक फादर नेम्स बलराम दास मदर्स नेम स्नेहलता दास स्कूल नेम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कटक क्लास फाइव लाइकिंग गेम्स भलिबल लाइकिंग क्लथेस फ्रक स्कर्ट एंड लाइकिंग फूड हेला राइस एंड फिश तापर आम पाराग्राफ रे केमिति लिखिबा स्टेप फोर रे रही नाउ राइट 10 sentences ऑन योर सेल्फ एबे 10 लाइन तुम्हें तुम विषय रे लिख यू मे लुक एट द सेंटेंसेस रिटन बाय रमेश पात्र जो सेंटेंसेस गुड़ाक लेखा है तुम्हें यह देखिकी लिखिपार ये बायोडाटा लिखिल बायोडाटा रु तुम तुम्हें निज विषय डिस्क्राइब कर जमीती ये देख रही आई एम सुहानी दास आई एम 10 years ओल्ड आई लिव इन कटक श्री बलराम दास इज माई फादर श्रीमती स्नेहलता दास इज माई मदर आई गो टू गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कटक आई एम इन क्लास फाइव आई लाइक टू प्ले वॉलीबॉल आई लाइक फ्रॉक एंड स्कर्ट्स आई लव राइस एंड फिश ए भड़िया भाबरे तुम्हें तुम्हारो बायोडाटा लिखिबो एवं त बायोडाटा रो गोटे पाराग्राफ टी लिखि पारिबो वर्कशीट 52 रही मंथली असेसमेंट आमर वर्कशीट जो आम 2 to 51 पर्यंत करछंती तारी ऊपर ए क्वेश्चन गुड़ाक रही ईच क्वेश्चन हैज 4 मल्टीपल चॉइसेस प्रत्येक क्वेश्चन रो 4टा मल्टीपल चॉइसेस रही टिक द राइट वन ठीक चिन्ह दि जोटा ठीक अच्छे ठीक चिन्ह दि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 mark प्रत्येक क्वेश्चन पर गोटे मार्क रही कंप्लीट द वर्ड विथ द मिसिंग लेटर ये आम गोटे वर्ड दिखाई तार जो लेटरटा मिसिंग रही लिखिब जी एल डेस एस एस ए आई यू तो यहाँ री एल ए एस एस ग्लास हो तो ए इज द राइट आंसर एवं आम क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन को जीवा सेकेंड क्वेश्चन रही व्हाट विल यू से व्हेन समवन ऑफर्स यू ए चॉकलेट जिते बड़े तुमको गोटे जड़े कहीं चॉकलेट देले तुम्हें तांकु कौन कह सॉरी यस थैंक यू आई एम लेट जिते बड़े तुमको कहीं चॉकलेट देवे तुम्हें तांकु धन्यवाद दब तो तुम्हें कह थैंक यू तो राइट आंसर इज थैंक यू द अपोजिट वर्ड फॉर किंग इज किंग रो राजा रो अपोजिट कौन हम सन फादर मदर क्वीन किंग रो अपोजिट क्वीन राइट आंसर इज क्वीन
यूज द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस यही जो सेंटेंस पाई करेक्ट वर्ड टी लिखिब आई राइट विथ माय डेस्क मु मोर मु लेखे कहा सहाय्य रे लेखे डस्टर इरेजर पेंसिल टिफिन बॉक्स पेंसिल सहाय्य रे लेखे तो आई राइट आंसर होची हमर पेंसिल आई राइट विथ माय पेंसिल सी द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस ए पिक्चर टी को देख एवं ता पई जो करेक्ट वर्ड टी रहिची ताकू लेख द बॉल इज डेंस द टेबल ऑन अंडर एभव ओ ओवर द टेबल ऊपर रहिची तो एठी हबो हमर ऑन द टेबल सिक्स रे रहिला फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस ए जो सेंटेंस दिया है छि सेथिरे करेक्ट वर्ड लिखिब यू डेंस लिजा आ तुमे लिजा अटो तो यू पाखरे कोन लागिब आर इज एम वेयर तो यू पाखरे आर लागिब यू आर लिजा एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा में सेवेन रे रही छि सी द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड ए पिक्चर टी देख एवं जो ब्लैंक दिया है ये ठीक आंसर टी लिख द बॉय इज डेंस पिलाटी कौन करुची रीडिंग स्लीपिंग राइटिंग सिटिंग पिलाटी सोई तो हम आमर स्लीपिंग व्हाट इज द गर्ल इन द पिक्चर डूइंग ए पिक्चर रे झीओटी कौन करुची रनिंग वॉकिंग प्लेइंग डांसिंग से चलुची तो ये हम आमर वॉकिंग गोपाल एंड हिज डॉग्स आर सिटिंग अंडर ए ट्री गोपाल एवं तार संग तार कुकुर गच तले बसिची जति हु आर दे आर इन द सेंटेंस ए सेंटेंस रे किए रहिची गोपाल एंड हरी गोपाल एंड हिज कैट गोपाल एंड हिज डॉग गोपाल एंड हिज फ्रेंड तो एटी रहिची गोपाल एंड हिज डॉग एटा हम हमरो राइट आंसर हु रोड ऑन ए टाइगर इन द पॉइंट द मंकी फ्रॉम राइगर द मंकी फ्रॉम राइगर जो आम पॉइंट टीए पढ़ी थे किए बाघ चढ़ी द डग द मंकी द कैट द माउस द मंकी चढ़ा तो ये ठीक आंसर टी हम आम द मंकी कंप्लीट द सेंटेंस विथ द करेक्ट वर्ड यही जो सेंटेंस दिखाई ये करेक्ट वर्ड नहीं कि कंप्लीट कर द डग्स आई नो हैव मेनी डेंस जो डॉग कुड़ा को मुझे जाने तांकर कौन रही लेग्स सेप्स टेल्स नोजेस तांकर सेप्स रही डिफरेंट सेप रही एबे 12 नंबर को जीपा 12 नंबर रे रही सी द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट वर्ड ए पिक्चर टी देखो एवं जो ब्लैंक रही तार ठीक आंसर टी करके लिख द रेन इज फॉलिंग डेंस द रेन इज फॉलिंग कोठारे वर्षा होची नो वेयर कोठारे होना ही एवरीवेयर सबुठारे होची ऑन मी मो ऊपर होची ऑन यू तो मो ऊपर होची तो एठी एवरीवन एवरीवेयर सबुठारे होची द राइट आंसर हबो एवरीवेयर द ऑपोजिट ऑफ पुअर इज डेंस अ पुअर ऑपोजिट कोन हबो गुड रिच दैट इज स्मॉल पुअर ऑपोजिट हबो रिच द नॉर्म The name of your state is dense. तो मोरा जे राज्यर ना कोनो बिहार ओडिशा झारखंड वेस्ट बेंगल आम राज्यर ना होची ओडिशा कोइबा एबे क्वेश्चन नंबर 15 को जीबा फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड एठी क्वेश्चन नंबर 15 रे रहिची फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड करेक्ट वर्ड लिखिक ब्लांकटा फिलअप कर मामा बियर कुक्ड पॉरिज फॉर डेंस मामा बियर कौन पाई नंबर 15 रही फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड ये करेक्ट वर्ड नहीं कि ब्लांकटा फिलअप कर मामा बियर कुक्ड पॉरिज फॉर फूड डिनर लंच ब्रेकफास्ट कौन कहाँ कर ब्रेकफास्ट करते तो ये हम आम ब्रेकफास्ट द जैकल फेल्ड इंटू ए डेन्स टॉप जैकल कौन पड़ जाता फिशरमैन वाशरमैन पुलिसमैन पोस्टमैन वाशरमैन स्टॉप रे पड़ जाता बायोडाटा फॉर्म इज रिटन टू गेट इनफॉर्मेशन अबाउट ए डेन्स बायोडाटा कहाँ पर लिखा जाए ए पर्सन ए प्लेस एन ऑब्जेक्ट एंड एनिमल ए पर्सन लोक जन व्यक्ति लिखा जाए ए पर्सन 18 रही फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड गिवन यू कैन डेन्स Catch the wind, bite an apple, bite a stone, carry a mountain. तो हमें कौन पवन को कैच करी पारी बना करी पारी बनी बाइट ए स्टोन पत्थर को कामुड़ी पारी बना ही कैरी ए माउंटेन पे माउंटेन को उठाई पारी बना ही कौन करी पारी बाइट एन एप्पल एपे रहिला 19 रे रोजी एंड मी
डेज गुड फ्रेंड्स इज आर सुड गुड आमर रोजी एमिति जन हो गला तो ये आमर आर लगे ए डॉक्टर डेज पेशेंट डॉक्टर कौन करे ट्रीट्स टीचेस बिल सेल ये हम ट्रीट्स ये भाव में आम वर्कसीट कम्प्लीट करवा।